फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली करंट अफेयर पावर्ड बाय GK24 ऐप। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डेली जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। तो अपन सारी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए वो गैदर करेंगे और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस 10 से 15 मिनट के वीडियो के अंदर, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपके पेपर के अंदर आपके करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग हो जाए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, तो यहां अर्ली 2000 स्टूडेंट्स को मिल रहा था 25% ऑफ। तो 1200 बच्चे एनरोल हो चुके हैं, कूपन कोड यूज करिए post25 और अभी इस ऑफर का फायदा उठाइए। एससी के लिए आप wifistudy.com/ssc टाइप करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बैंकिंग के लिए wifistudy.com/banking टाइप करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आप 7023333675 फोन नंबर भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल सेक्शन के अंदर। ओके, इंडिया बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। ओके, 2016 की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो चाइना दुनिया में नंबर वन पे है और इंडिया सेकेंड नंबर पे पहुंच गया स्टील प्रोड्यूसर के अंदर, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया का जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन है वो 3.32 मिलियन टन पहुंच गया 2016 के अंदर और काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव ग्रोथ करी इंडिया ने 9% की 2015 के कंपेयर में। 2015 की बात करें तो इंडिया थर्ड नंबर पे था, 2016 के अंदर इंडिया सेकेंड नंबर पे पहुंच गया है। ओके, तो इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इस स्टील जो प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये कहाँ पर है, रायगढ़ के अंदर है। तो मैं आपसे कुछ इंडस्ट्रीज के नाम और जगह डिस्कस करूंगा जो कि पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, जो कि स्टील प्लांट है। जैसे अपना टिस्को के बारे में आपने सुना होगा। ओके, टिस्को कहाँ है, जमशेदपुर में है, झारखंड के अंदर। वैसे ही विश्ववरिया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये कर्नाटक के अंदर है, भद्रावती के अंदर। वैसे भिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भिलाई, ओके, भिलाई स्टील प्लांट है, छत्तीसगढ़ के अंदर है ये। वैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो कि दुर्गापुर में है। बोकारो, ये भी बहुत बार पेपर में आता है, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, ये भी झारखंड के अंदर है। वैसे ही चंद्रापुर है, चंद्रापुर यानी कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। वैसे ही IISCO है, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। वैसे ही सेलम भी आपको ध्यान रखना है, सेलम स्टील प्लांट है जो कि तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। वैसे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट तो आप पता कर ही सकते हैं विशाखापट्टनम में। एक और इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बता नहीं पाया, वो भी डिस्कस कर रहा हूँ, रुरखिला स्टील प्लांट, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा के अंदर है, ये उड़ीसा के अंदर है। तो ये सारे स्टील इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सेकंड न्यूज देखते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर को चेयर्स इंडिया OPEC इंटरनेशनल डायलॉग एट वियना। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर सबसे पहले ये ध्यान रखना है, धर्मेंद्र प्रधान अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर है। सबसे पहले ये वियना गए और वियना यानी कि जो वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां पर इन्होंने ओपेक का डायलॉग वहां पर अटेंड किया, ठीक है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ओपेक क्या है, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 नेशंस हैं जो कि इसके मेंबर हैं, ठीक है। 2017 तक की अपन बात कर रहे हैं, 1960 में ये बनी थी, बगदाद के अंदर डिक्लेरेशन हुआ था, 5 मेंबर ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, ईरान, इराक, कुवैत, साथ में सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, वियना के अंदर ही है, ठीक है। अगर इन देशों की बात करें तो 13 देश इसके अंदर 42% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन करते हैं और इन देशों के पास में 73% भी ऑयल रिजर्व है दुनिया का। तो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल को कंट्रोल करके रखती है, ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करके रखती है। इसके मेंबर्स की बात की जाए तो देखिए, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, गैबोन, इराक, ईरान, कुवैत, ओके। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं। जैसे कि अगर आप देखेंगे अफ्रीकन नेशंस है कि अफ्रीकन नेशंस के कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, तो अफ्रीका के आप याद कर सकते हैं, जैसे कि अफ्रीका के अल्जीरिया है, अंगोला है, अल्जीरिया, अंगोला, वैसे ही गैबोन है, ठीक है, वैसे लीबिया और नाइजीरिया, ये सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हैं। साउथ अमेरिका की बात करें, ठीक है, तीन ही कॉन्टिनेंट से इसके मेंबर्स हैं। साउथ अमेरिका की बात करें तो इक्वाडोर और साथ में वेनेजुएला। और अगर वैसे ही अगर अपन बात करें मिडिल ईस्ट की, मिडिल ईस्ट कौन कौन से हैं, तो मिडिल ईस्ट में कई सारे नाम हैं, 6 नाम हैं अप्रोक्सीमेट, देखते हैं, ईरान हुआ, इराक हुआ, ओके, उसके बाद में कुवैत है इसका मेंबर, कुवैत के बाद में कतर है इसका मेंबर,
उसके बाद में सऊदी अरेबिया और यूएई, ये सभी इसके मेंबर हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ओपेक के कौन कौन से मेंबर हैं, क्योंकि पेपर में कई बार ये पूछा जाता है। इंटरनेशनल थर्ड न्यूज़ देखते हैं, 3 RCEP इंटरसेक्शनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, ठीक है। कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है अपनी, सीतारमैया, निर्मला सीतारमैया, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। और थर्ड रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP की मीटिंग अटेंड करी, कहाँ पे, हैनोई के अंदर। अभी हैनोई क्या है, कैपिटल है किसकी, वियतनाम की, ठीक है। इस तरीके से कई बार पेपर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कई सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे जो अभी प्रेसिडेंट, यहाँ पे इन्होंने भी मीटिंग करी, अटेंड करी, फिलीपींस के, जो फिलीपींस क्या है करंटली प्रेसिडेंट है किसके, एशियान का, एशियान का इंडिया मेंबर नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े लोग आए और ये मीटिंग अटेंड करी। देखते हैं पहले कि RCEP क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 10 मेंबर जो कि एशियान के हैं, ओके, साउथ एशियन नेशंस, एशियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, जिसके कई सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लायोस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, और साथ में 6 अदर स्टेट्स जो कि इसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन्होंने साइन कर रखा है। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, यानी कि एशियान प्लस 6 कंट्रीज के साथ में इनका क्या है, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये मीटिंग अटेंड करी किसने, अपनी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सीतारमैया ने। नेशनल न्यूज देखते हैं, एग्जीबिशन हुई अभी, रिटर्न ऑफ द 3 stone sculpture फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया। तो 3 stone sculpture का रिटर्न हुआ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के अंदर। तो यहां पे क्या हुआ, एग्जीबिशन इसकी दिखाई गई। तो अपने जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, महेश शर्मा, ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, इन्होंने इनॉग्रेट किया इसको दिल्ली के अंदर। और ये स्कल्पचर्स किसके हैं, बुद्धा के हैं, ठीक है। 3 stone sculpture किसके हैं, बुद्धा के हैं, जो कि वर्कशिप ऑफ बुद्धा, ठीक है, के से रिलेटेड हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आए हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस इतना ही है और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पे किताब का भी इनॉग्रेशन किया गया, रिलीज करी गई एक बुक जो कि है वॉर पेंटिंग्स ऑफ द इरिस्टेबल जाट किंग सूरजमल, ओके। तो वॉर पेंटिंग्स ऑफ द इरिस्टेबल जाट किंग थे सूरजमल, जो कि किताब लिखी है सत्या त्रिपाठी जी ने इस किताब को लॉन्च किया। और इस किताब का नाम वॉर पेंटिंग से आप याद कर सकते हैं, ये भी इसको यहाँ पे लॉन्च करी गई। पीयूष गोयल ने लॉन्च करी है अपने, पीयूष गोयल कौन है, अपने पावर कोल एंड न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च करी सेवा ऐप। अभी सेवा की फुल फॉर्म पेपर में कई बार पूछते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है, सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन, यानी कि जो सरलता से आपको ईंधन, ठीक है, आपको एनर्जी वितरण इजीली आपको मिल जाए, इसीलिए सेवा इसका नाम रखा गया है, सरल वितरण, ईंधन वितरण एप्लीकेशन, जो कि इनहाउस डेवलप करी गई है CIL के द्वारा, ओके। ये एक डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है वो कनेक्ट करें अपने ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी से, कोल के जो भी अपने रिसोर्सेज हैं उनसे। ट्रेड एंड बैंकिंग से देखते हैं, इसराइल ने साइन किया अपने साथ $360 million का आर्म डील करी है इंडिया के साथ में, ठीक है। बहुत बड़ी डील है फ्रेंड्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने को लेकर करी गई है। और जैसे कि इसराइल ने, कौन सी कंपनी है, इसराइल की इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने सप्लाई करेगा LRSAM, ये क्या है, एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि 4 इंडियन नेवल शिप्स के लिए डिजाइन करा गया है, ठीक है। किसके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में किया है, जो कि मेजर कॉन्ट्रैक्टर है इस प्रोजेक्ट का। ये आपको इम्पॉर्टेंट है याद करना कि LRSAM क्या है, ये एडवांस एयर एंड मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो कि जॉइंटली डेवलप कौन कर रहा है, IAI यानी कि इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और साथ में DRDO, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि LRSAM ये जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी, अपन इसराइल से ले रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। टेड्रस से आप इस नाम याद कर सकते हैं, पूरा नाम याद नहीं करना है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो टेड्रोस से आप नाम याद कर सकते हैं, डॉक्टर टेड्रोस को इलेक्ट किया गया है। पहले मार्गरेट चैन थी WHO की हेड, ठीक है, और मार्गरेट चैन के बाद में आप बने टेड्रोस। WHO क्या है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि हेल्थ को कंसर्न है। 7 अप्रैल 1948 को उसको स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का एक ये मेंबर है WHO।
तो आपको ध्यान रखना है, नए मेंबर का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। तो देखते हैं अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो है रोहन चक्रवर्ती जी का। ओके, ये वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल कार्टूनिस्ट है जो कि इंडिया से, इनको मिला है इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड उनके एफर्ट के लिए। किस चीज़ में? चेंज एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर, नेचर के को लेकर एटीट्यूड चेंज करने को लेकर इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने यह इनको रिकॉग्नाइज किया है, इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है और ये लीडरशिप में दिया जाता है यंग जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, कंजर्वेशन को लेकर जो काम करते हैं अंडर द एज ऑफ 30। ठीक है, तो उनको ये अक्लूड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और ये अवार्ड दिया गया है रोहन चक्रवर्ती को। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड किसको दिया गया है, रोहन जी को दिया गया है। डेथ सेक्शन के अंदर सर रॉजर मूर जो कि जेम्स बॉन्ड के एक्टर थे उनकी डेथ हुई है रिसेंटली। ओके, ये आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में ये नहीं पूछते हैं इसलिए मैं, लेकिन फिर भी आपको रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ, इन्होंने जेम्स बॉन्ड की मूवीज में काम किया है, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। सो फ्रेंड्स, ये सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट था जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, करंट अफेयर डेली करते रहिए ताकि आपको अलग से कोई भी बुक या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।